हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल रेखा क्रिएटिविटी आइडियाज़ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। लड्डू गोपाल जी की होली स्पेशल ड्रेस है, क्रोशिया से बनाई हूँ, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। और यहाँ पर मैं लेस को स्टिच कर रखी हूँ, इस तरह का मैं लेस लगाई हूँ। सुई धागे के हेल्प से मैं ड्रेस के चारों तरफ से पूरे राउंड में मैं लेस को स्टिच करी हूँ और बहुत खूबसूरत ड्रेस है और इसे बहुत ही आसानी से आप बना भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर डोरी लगाई हूँ वाइट कलर का। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक टिप देती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो मल्टी कलर का ऊन से भी आप लोग डोरी बना सकते हैं और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। और यहाँ पर मैंने खुले रखे हैं और इस तरह से देखिए आप लोग बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 4 नंबर 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। आप लोग अगर 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को पहनाना चाहते हैं तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं, फिर इस तरह से आप छोटे भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। इन ड्रेस के साथ में है चोली, पटका और पगड़ी, तीनों पूरे सेट में है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस होली में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर वाइट कलर का ऊन ले रखी हूँ और क्रोशिया से मुझे बनानी है चेन। मैंने यहाँ पर एक लंबी चेन बनाई हूँ, टोटल 55 चेन मैंने बनाई है। बेसिकली मैं इसे डोरी यूज़ करनी है इसलिए मैंने इतने लंबे ले रखी हूँ। इस डोरी को बिल्कुल बराबर करनी है और डोरी के बीचों बीच से सबसे पहले मैं जोड़कर स्लिप स्टिच से जोड़ लूँगी, उसके बाद मुझे बनानी है डबल क्रोशिया। मैं आप लोगों के साथ एक टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि पहले मुझे ध्यान में नहीं आए थे। जब डोरी मैंने सिर्फ व्हाइट से बनाया है, आप लोग चाहें तो मल्टी कलर से भी डोरी 2-3 कलर का ऊन ले लीजिए और उससे आप लोग डोरी बनाइए और भी बहुत खूबसूरत दिखेंगे। मैंने यहाँ पर टोटल 27 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। आप लोग चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं डबल क्रोशिया और कम भी कर सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी के कमर के अकॉर्डिंग डबल क्रोशिया यहाँ पर बनानी होती है। कमर का पट्टी एक साइड हो चुके हैं तो इस तरह से खींचते हुए बहुत ही आसानी से बिल्कुल बीचों बीच इसे लाया जा सकता है और डोरी भी दोनों एक साथ बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ 3 चेन और उसके बाद टर्न करने के बाद मैं सेम चेन के अंदर से डबल क्रोशिया यहाँ पर बनानी है। और पूरे इस रो में मुझे बनानी है 2 डबल क्रोशिया एक चेन के अंदर, फिर एक चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए पूरे रो को मुझे कंप्लीट करनी है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। सेकेंड रो भी बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर जोड़नी है स्लिप स्टिच के हेल्प से, मैं यहाँ पर जोड़ दूँगी। फिर से मुझे 3 चेन बनानी है और सेम चेन के अंदर से मुझे एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। बन गए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से बनानी है 1 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से बनानी है 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से बनानी है 1 डबल क्रोशिया और फिर इस तरह से पूरे रो को मैं कंप्लीट करूँगी।
थर्ड रो भी बनकर कंप्लीट हो चुके हैं बिल्कुल। अब फोर्थ रो में मुझे बनानी है 3 चेन और सेम चेन के अंदर से मुझे बनानी है 1 डबल क्रोशिया। तो बन गए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर बनानी है 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर बनानी है 1 डबल क्रोशिया। फिर बनानी है 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर बनानी है 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करनी है। और देखिए फिफ्थ राउंड में मुझे बनानी है 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिफ्थ राउंड मुझे कंप्लीट करनी है और उसके बाद मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़कर लॉक कर दूंगी बढ़िया से गांठ लगाते हुए। ये तो जो थ्रेड रह गए हैं उसे मैं सुई के हेल्प से यहाँ पर स्टिच कर दूंगी। और घेर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोग और भी बड़े कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना चाहते हैं तो 2 डबल क्रोशिया के बाद मैंने लास्ट में जो 1+1+1 जो बनाई हूँ रो, वो आप और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे 2 डबल क्रोशिया के बाद 1+ और भी आप बढ़ा दीजिए, 1+ बढ़ाइए, फिर नेक्स्ट दिन में 1+ बढ़ाइए। इस तरह से जितना भी बढ़ाते जाएंगे आपके कान्हा जी का ड्रेस उतना ही बड़े साइज का बनता जाएगा। मैं फिर से एक बार बतला देती हूँ, फर्स्ट रो में मैं बनाई हूँ 2 डबल क्रोशिया, 27 डबल क्रोशिया, और सेकंड लाइन में बनाई हूँ मैं 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, और थर्ड लाइन में भी मैं सेम ही बनाई हूँ 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। और फोर्थ लाइन में मैंने बनाया है 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। और फिफ्थ रो में मैं बनाई हूँ 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। फिर इस तरह से मैं बनाई हूँ। और अब मैं घेर में लगाऊंगी इस तरह का लेस, सुई धागे की हेल्प से लगाऊंगी। बहुत ही आसान है बनाना ये ड्रेस और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनते हैं फ्रेंड्स। मैंने ड्रेस का मैचिंग बनाई हूँ, चोली, पटका और पगड़ी तीनों मैं बनाई हूँ और मैं उसका वीडियो कल डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।